बारहवीं के विज्ञान संकाय में प्रदेश भर में पांचवा स्थान हासिल कर जसूर की भावना सोहल ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भावना राजकीय वरिष्ठ विद्यालय जसूर की छात्रा रही है। भावना की इस सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर कड़ी मेहनत का जज्बा दिल में हो तो निजी स्कूलों में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय सरकारी स्कूल में भी कामयाबी की प्यार लिखी जा सकती है। जमा दो के साइंस स्ट्रीम में प्रदेश भर में पांचवां स्थान हासिल कर जसूर की भावना सोहल ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भावना राजकीय वरिष्ठ विद्यालय जसूर की छात्रा है। भावना की इस सफलता ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर कड़ी मेहनत का जज्बा दिल में हो तो निजी स्कूलों में लाखों रुपए खर्च करने की बजाय सरकारी स्कूल में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। भावना ने 488 अंक हासिल कर 97.6% अंक हासिल किए हैं। भावना की इस कामयाबी पर उसके परिजन और अध्यापक भी गदगद हैं। भावना की माने तो वे डॉक्टर बनना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो इस व्यवसाय में सेवा कर जनता के साथ साथ भगवान की भी दुआएं हासिल करेंगी। पापा एक ट्रक ड्राइवर हैं, तो मतलब काफी मेहनत करते हैं वो, मतलब कि आगे कुछ ना कुछ बन जाऊं मैं, और यही है मैं कि कुछ बन जाऊं तो अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकूं। डॉक्टर बनने का विचार कैसे आया? डॉक्टर का वही है कि एक डॉक्टर है, लोगों की लाइफ सेव करेगा, तो जो जिसको सेव करेगा उसकी भी ब्लेसिंग लेगा और साथ में गॉड की भी लेगा, तो मतलब बेस्ट सर्विस है, किसी भी मतलब बेस्ट सर्विस है टू मैनकाइंड। टारगेट एमएससी अभी नहीं, मेडिकल लाइन में जाएगी। हाँ जी। भावना की माँ राकेश कौर का कहना है कि वे चाहती हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन महंगाई वाली पढ़ाई में गरीबी उनके आड़े आ रही है। भावना के पिता मोहिंदर सिंह ट्रक चालक हैं और ऐसे में जहां घर का खर्च चलाना मुश्किल है तो उसमें महंगी पढ़ाई कैसे होगी। राकेश कौर के अनुसार उसकी सरकार से मांग है कि वे उसकी बेटी की पढ़ाई में सहयोग दे ताकि उसकी उम्मीदों को पंख लग सकें। किसी की संगत नहीं है। अच्छा। हाँ। सारी रात सोती नहीं है, मेहनत का फल। अच्छा। हाँ। और क्या बोलना चाहिए कुछ अपने तरफ से कुछ? मैं तो चाहती कि मेरी बेटी लाइक का कुछ बनी चाहो, पर को घर की कुछ ऐसी मजबूरी है वो नहीं कर सकते कि डॉक्टर लाइन में इतना खर्चा कहाँ से करेंगे। सरकार से कुछ चाहते हैं कि सरकार कोई मदद करे। हाँ, मेरी बच्ची अच्छी लाइन से पढ़ रही। अनुशासित बच्चा था, रेगुलर और बिल्कुल सिंपल, लेकिन कुछ करने की गुरेज है इस बच्चे में, इन बच्चों में करने की गुरेज है। इसमें भी बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो पढ़ाया जाता था अनुशासित तरीके से ही हर एक्टिविटीज़ में ओवरऑल भाग लेती रही है बच्चे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।